शादी में खाने से 40 से अधिक लोग बीमार, अस्पताल में मची अफरा तफरी, एक रेफर तो 15-20 डिस्चार्ज, बाकी का जारी है उपचार। खरगोन शहर के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बीती रात शादी समारोह में खाना खाने से 45 से अधिक लोग उल्टी दस्त, फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक एक के बाद एक पीड़ित अस्पताल पहुंचने लगे। उक्त सिलसिला दोपहर में भी जारी रहा, जिससे अस्पताल महकमे में अफरा तफरी मच गई। प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना दी गई। चिकित्सकों के मुताबिक सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार मरीजों ने शादी समारोह में सब्जी, पूरी, पकौड़े, पनीर की सब्जी के अलावा दूध से बना फ्रूट कस्टर्ड खाया था। देर रात उल्टी दस्त की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बीमार मरीज में महिलाएं, पुरुष सहित बच्चे भी शामिल हैं। उपचार के बाद सभी मरीजों की हालत में सुधार है और रविवार सुबह कई मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। मरीजों में रिश्तेदारों सहित कॉलोनी निवासी शामिल हैं। मिली जानकारी अनुसार खरगोन के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मोहनलाल पाटीदार के यहाँ शादी समारोह में बीती रात खाना खाने के बाद सभी मरीज देर रात उल्टी दस्त के शिकार हुए। फूड पॉइजनिंग के बाद हालात बिगड़ने पर मरीजों को ताबड़तोड़ जिला अस्पताल लाया गया। पीड़ित मरीज राजेंद्र कुमार बागदरे ने बताया कि दूध से बने फ्रूट कस्टर्ड खाने के बाद देर रात करीब 12:30 से 1 बजे के बीच अचानक उल्टी दस्त होने लगी। 40 से ज्यादा लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार के बाद अब आराम मिला है। सुबह SDM ने भी अस्पताल का दौरा कर मरीजों के हाल जाने। SDM ओम नारायण सिंह मौके पर पहुंचे थे। कलेक्टर ने मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। खाद्य सामग्री की जाँच कराएंगे। ये यहाँ पास ही में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वहाँ पे शादी का समारोह था। उसमें ऐसा कहते हैं कि कुछ फ्रूट कस्टर्ड सलाद जो है वो खाने के बाद, और उसमें अभी कोई बता रहा था कि एक बच्चे ने केवल वो फ्रूट सलाद ही खाया था, कस्टर्ड जो है वो ही खाया था। उसके बाद उल्टी दस्त के जो है वो मरीज आने लगे। रात के 12 बजे जो है वो मरीज आना शुरू हुए थे और 4 बजे के करीब 41 पेशेंट जो है वो उल्टी दस्त के, उसमें सब महिला, पुरुष, बच्चे सब आ गए थे। अब तक कुल 47 मरीज हो चुके हैं एक ही शादी समारोह में। एक व्यक्ति का थोड़ा सा हाइपोटेंशन था, उनके घर वाले थोड़े से ज़्यादा एंग्जियस थे तो वो रिफ़र हो गए। अदरवाइज़ जो है 6 बच्चे थे, 6 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और फीमेल में 5, ऐसे कुछ 10-15 जो हैं अभी हैं, बाकी जो है वो सब डिस्चार्ज हो गए या फिर सवेरे जो है वो ठीक रहे तो मतलब खुद ही चले गए काफ़ी सर। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट खरगोन। बाढ़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज़ डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।